हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली न्यूज़ है सात बंटाइस की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों सात बंटाइस का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है किताब, मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया है। तो उस गाने की अभी तक रिलीजिंग डेट नहीं पता चली थी और ऑफिशियल पोस्टर भी आउट नहीं हुआ था, बस यार किताब करके बता दिया था मैंने कि ये गाना आने वाला है बहुत जल्द। तो अब उसका ऑफिशियल पोस्टर भी आउट हो चुका है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये जो गाना है वो 11th अक्टूबर को आउट होगा सात बंटाइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जब भी ये गाना आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अगली न्यूज़ ACK मुंबई की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों ACK मुंबई की यार एक एल्बम आउट होने वाली थी अंडर गॉड, मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया है। तो फाइनली वो एल्बम आउट हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे देता हूँ पूरी एल्बम का। तो इस एल्बम में टोटल 9 सॉन्ग्स है, तो कुछ कुछ गाने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ कुछ गाने ओके हैं। पर एक चीज़ इस एल्बम के लिए कहनी पड़ेगी कि यार इस एल्बम का जो म्यूज़िक है ना यार, सच्ची बता रहा हूँ बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत काम करा है म्यूज़िक पे। और सबसे अच्छा मुझे इस एल्बम में सिर्फ म्यूज़िक लगा है। तो अगर आप लोग ये एल्बम लिरिक्स के लिए सुनना चाहते हो तो मत सुनना यार, उतनी आप लोगों को ये पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि यार फ्लो बहुत ही यूनिक है यार ACK मुंबई का। तो लिरिक्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जाते हैं, पर अच्छे है यार। तो पहला गाना जो उसका नाम है डॉन दादा, तो ये अच्छा गाना है यार, ओके बोल सकते हैं। लिरिक्स बहुत अच्छे नहीं है पर म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस गाने का। तो अगला गाना जो उसका नाम है फोकस्ड, ये वाला गाना अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, ये सुन सकते हो आप लोग। तो अगला गाना जो उसका नाम है मेकिंग मूव्स, ये भी अच्छा गाना है, फोकस के बराबर ही कह सकते हैं। तो अगला गाना जो उसका नाम है अंडर गॉड, ये टाइटल ट्रैक है पर मुझे उतना नहीं जमा कि यार ये टाइटल ट्रैक रख सकते थे यार ACK मुंबई, पर मुझे लगता है कि टाइटल ट्रैक इससे और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अगला गाना जो उसका नाम है कांट स्टॉप वोंट स्टॉप, और ये वाला गाना बहुत अच्छा है, म्यूजिक इस गाने का बहुत ही डोप है। तो अगला गाना जो उसका नाम है डेस्टिनी, ये गाना मुझे एकदम परफेक्ट लगा, थम्स अप है इस गाने को, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट सॉन्ग है। तो अगला गाना जो उसका नाम है वनटास, और ये है इश्क बैक्टर के साथ में। अगर आप लोगों ने इश्क बैक्टर के गाने नहीं सुने तो यूट्यूब पर सर्च मारो इश्क बैक्टर, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो उन्हीं के साथ में ये गाना है, और ये वाला गाना भी अच्छा है यार। तो अगला जो उसका नाम है मोशपिट, ये ओके सॉन्ग लगा मुझे, उतना पसंद नहीं आया, कोरस अच्छा है, तो ये भी सुन सकते हो। और फाइनल जो सॉन्ग है लास्ट इस एल्बम का, वो बेस्ट सॉन्ग मुझे लगा इस एल्बम का, और गाने का जो नेम है वो है फील अलाइव, जरूर सुनने ये वाला गाना, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कैची सॉन्ग है। तो ये वाला आप लोग को जरूर पसंद आएगा, पूरी एल्बम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके सुनो। तो अगली न्यूज़ कृष्णा की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों कृष्णा यार हसल में गए, तो आज उनका शूट था, तो आज तो यार वेडनेसडे, तो यार ये आएगा सैटरडे को, तो सैटरडे को आप लोग देख सकते हो कृष्णा आने वाले हसल पे। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। तो अगली न्यूज़ गानों की तरफ से आ रही है। तो पहला गाना जो उसका नाम है पुछियाग बाय रिबेल 7 एंड हुजूर, तो ये गाना जो है बहुत ही फन सॉन्ग है, आप लोग सुन सकते हो यार, गालिया वालिया भी है थोड़ी बहुत, और लिरिक्स भी ओके है, फ्लो बहुत अच्छा लगा मुझे, ओके सॉन्ग है। और ये मिल जाएगा आप लोगों को स्पॉटिफाई पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, और आपके भी कोई से रैप सॉन्ग है तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना, पड़ोस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।